तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी का रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले बात करें DSSB की, DSSB का रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है बिल्कुल, और वह केवल अपलोड करने की देर है साइट पर। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है, दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी प्राइवेट दफ्तर हैं, सभी को बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि है कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है पूरी दिल्ली पर। आप देख सकते हैं यदि पहले ही लॉकडाउन हुआ, जो दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ताकि आने वाले समय में भी तो लॉकडाउन करना ही पड़ता है, अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले ही यह लॉकडाउन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दफ्तर बंद नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो रिजल्ट आया था वह कब आया था, वह आप देख सकते हैं 20 तारीख को आपका यह रिजल्ट आया था, और 20 तारीख के बाद कोई भी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। DSSB आज के टाइम में हर दिन एक एक रिजल्ट जारी करने पर लगा हुआ है, हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड करता ही रहता है अपनी वेबसाइट पर, रिजल्ट पे या कोई एग्ज़ाम नोटिस, तो वह अब आने बंद हो चुके हैं क्योंकि मंडे से, कल से दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है। और मैं आपको बता दूं कि यह लॉकडाउन केवल 31 मार्च तक नहीं चलने वाला है, तो यह लॉकडाउन कम से कम 15 दिन और खींचेगा 31 मार्च के बाद, तो 15 से 20 अप्रैल तक तो आप अपना भूल जाइए कि आपका रिजल्ट आने वाला है। आपका कहीं जाके अभी है 31 यानी कि 20 से 30 तारीख के बीच में आएगा अप्रैल में, जो कि रिजल्ट अब आपका बहुत देरी से आएगा। यह सब कुछ कोरोना की वजह से हुआ है। दिल्ली में आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुरक्षित अब पूरे देश में नहीं हैं कहीं भी। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यह डर सताएगा कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो इससे आप बचे रहिए। हाथ धोने का इस्तेमाल, हाथ धोते रहिए लगातार, साफ़ सफाई रखिए। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।